नमस्कार दोस्त। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। ये स्टॉक 19.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 2.44% का डाउन मूव दिया है आज, जो कि काफ़ी बड़ा डाउन मूव है 2.5% का। मार्केट कैप है इसकी 2038 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 48.40% है। बुक वैल्यू 2.97 है। डिविडेंड यील्ड 0.01 है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक 50 डीएमए को दे चुका है डेथ क्रॉस एंड 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें मीडियम से काफ़ी नीचे है। आई रियली होप कि ये नेगेटिव में ना जाए। एंड 1 मंथ के देखें तो छोटू सी नीचे है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अभी चलते हैं सेल्स एंड मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें मिला था 3% का डाउन मूव मंडे को एंड ट्यूसडे को हमें उससे ज़्यादा अप मूव मिल गया था। फिर उसके बाद हमें 0 मूव मिला एंड अभी फ्राइडे को हमें मिला है 2.5% का डाउन मूव। यहाँ पे हमने कल करी थी जो लास्ट एनालिसिस थी, हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करी थी एंड तब भी हमने बात करी थी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है एंड यहाँ पे ऊपर से वॉर की न्यूज़ थी एंड यहाँ पे है ये वाली स्ट्रांग रेजिस्टेंस। तो अभी के लिए देखिए इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी के लिए एक बार इसके ऊपर अगर ये सपोर्ट बना ले 20.41 के ऊपर, तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं मूव लेने का, कि हम एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की। ये हमारी एनालिसिस थी बट अब ये अपनी एक और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर ये सपोर्ट बना लेता है तब भी हमारी एंट्री ज़रूर ओपन होती है। तो अभी देखिए हमारा अभी है वीकेंड, सैटरडे संडे है, आज फ्राइडे नाइट है, कल सैटरडे है, परसों संडे है एंड वॉर की न्यूज़ का अपडेट ये है कि काफ़ी क्रिटिकल लग रही है मुझे। अभी अभी कोई ऐसी पीस वाली न्यूज़ आती हुई दिखाई नहीं दे रही। इंडिया ने भी अपनी सारी इंडिया की फ्लाइट्स को कैंसिल किया हुआ है वो उस एरिया में एंड इसराइल के भी सारे डिफेंस जो भी है प्रोविजंस वो सारे एक्टिवेट हो गए थे क्योंकि मिसाइल्स उसके ऊपर अटैक किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड किसी देश पे अटैक हो रहा है तो ऑफकोर्स वो भी शायद जवाब दे या कुछ एक्शन ले उसके ऊपर, तो वो भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है कोई तब तो मंडे को रिवर्सल मिल सकता है। अगर कोई डिजास्टर न्यूज़ आ गई तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो एक बार हम इसके सपोर्ट लगा के यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये वाला सपोर्ट बनता है काफ़ी स्ट्रांग, जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। तो ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बनता है एंड इसके बाद जो है उसके बाद हमारा मुझे लगता है कि ये वाला सपोर्ट आता है, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये वाला। हो सकता है यहाँ से अगेन हमें रिवर्सल मिले कुछ, ठीक है। तो ये वाले ना काफ़ी स्ट्रांग हैं, ये चारों ही जो अभी लगाए हैं तीनों चारों ये सारे के सारे स्ट्रांग है एंड उसके बाद हमारा बीच में एक और आता है, बीच में ये भी आता है हमारा। इसके बाद हो सकता है कि यहाँ भी इसके आसपास भी रिवर्सल मिले। तो बेसिकली काफी सारा है। तो अभी के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एंड इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको ये क्रॉस कर लेता है यूजली। वैसे यहाँ से देखिए रिवर्सल यहाँ पे भी मिला था हमें, यहाँ की रेजिस्टेंस ना ये बहुत स्ट्रांग है। इसको ये जो है सारा पैटर्न ये इसकी रेजिस्टेंस पे ही बना था जिसपे अभी इसको ये फेस करना पड़ेगी। तो ये बिल्कुल उसी पे ट्रेड कर रहा है काइंड ऑफ, अभी उसी रेंज पे गेट कर रहा है। तो इसको सपोर्ट भी मान सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, दोनों पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी मंडे की कैंडल ही कंफर्म करेगी या कोई ऐसी अच्छी न्यूज आ जाती है, कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आ जाती है या कोई ऑर्डर आ जाता है या कुछ ऐसी, मतलब कुछ भी अच्छी न्यूज आ जाती है कंपनी की या वॉर को लेकर उसको कोई अच्छी न्यूज आ जाती है मिडल ईस्ट की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है एंड या यूएस को लेकर कोई अच्छी न्यूज आ सकती है तो थोड़ा सा रिवर्सल देखा जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी पिकअप मार्केट में रहेगा। तो फ्रेश एंट्री की बात अब बिग नो, जैसे ही ये एक बार कंफर्मेशन बना लेगा तो उसके बाद मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है, बट अभी के लिए तो नहीं। एंड इसके देखें बीएससी पे तो एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, 20% का बैंड है। स्टॉक ज्यादा भागा तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्टॉक 20-20% भाग जाता है और उसके बाद एकदम से स्टेज 4 में चला जाता है। तो उस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर इसकी स्टेज चेंज होती है, स्टॉक ज्यादा भागता है, तो मुझे लगता है कि एग्जिट फिर हमें लेना पड़ सकता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है वहां पे काफी भारी भरकम। न्यूज अभी कोई भी नहीं ऐसी जो इसके प्राइस के डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। आरएसआई काफी अच्छे स्टेज पे है बट आरएसआई का भी हमें
स्मूद मूविंग एवरेज ने RSI को कट किया है, तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हमें डेथ क्रॉस मिल चुका है, बहुत छोटू सा फर्क है। आई रियली होप ये रिवर्सल कर जाए यहाँ से, नहीं तो फिर हमें वैसे ही डेथ क्रॉस का इतना इतना महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये कुछ ग्लोबल कंडीशंस की वजह से है एंड मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में डेथ क्रॉस देखने को मिला है। तो थोड़ा सा इसको बाकी एनालिसिस को भी इसके साथ मिला के एनालाइज करके फिर इसके ऊपर यू नो एंट्री या जो भी एग्जिट का बनाएंगे तो उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन या आप अपनी एनालिसिस की जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज़ करती हूँ या आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैसे एनालाइज करना है, तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि
ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफकोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8-10-12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करने चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहां पे बता सकूं वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है, ठीक है। तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो, ठीक है, थैंक यू।